हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पुष्पा आपके सामने नया रेसिपी के साथ आ गए हूँ। ये मैंने ऑन किया है, कैसा रहता है आपको बताते हूँ। मैंने बनाया, बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी बनाइए, बना के खाइए, उतना ही अच्छा टेस्ट बनेगा। हमारे घर में है सब चीज़ें ही छे, और ये रात का चावल बज गए से चावल का बनाया है। ये चावल को मज़ेदार बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक स्पून साबुत धनिया लिया है। धनिया को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, एक आधे मिनट तक इसको अच्छा फ्राई करना है। उस बीच में हम जीरा भी डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे एक आधी चम्मच जीरा लिया है। जीरा और ये इस धनिया को अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। लो फ्लेम में लगाया है, धीरे फ्राई कर रही हूँ। हमेशा स्पाइसेस को लो फ्लेम में फ्राई करें तो बहुत अच्छा रहता है, जलने का ख़तरा नहीं रहता है, वरना जल जाता है। यहाँ पे मैं अभी सूखा नारियल लिया है, एक पाव कप सूखा नारियल लिया है। अगर आपके पास कच्चा नारियल है तो वो भी ले सकते हैं, मगर मैं फ़िलहाल में अब मेरे पास सूखा नारियल है, इसलिए मैं सूखा नारियल लिया है। इसको मैं कद्दूकस कर लिया है, इसको भी अच्छा सा भून लेते हैं। इसको भी लो फ्लेम में भूनना है, वरना मालूम है आप लोगों को कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है, वो भी किसे से जल्दी जल जाता है। कच्चा है तो टाइम लगेगा, मगर जो सूखा नारियल है वो जल्दी से भून जाता है, इसलिए हम इसका ध्यान रखना है, लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। उसको भी अभी मैं मिक्सी में डाल चुकी हूँ। यहाँ पे मैं एक 10 से 15 लाल मिर्ची लिया है, छोटे है और स्पाइसेस कम है, इसलिए मैं 15 लिया है। अगर स्पाइसेस ज़्यादा है तो आप लोग 10 लिए तो बस है, मैं यहाँ पे 15 लिया है। अभी इसको लो फ्लेम में लाइट फ्राई कर लेती हूँ। इन सभी को मैं मिक्सी में डाल चुकी हूँ। अभी मिक्सी में मैं एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप लोग अपना स्वाद अनुसार नमक डालिए। इसको बारीक नहीं पीसना है, एकदम दरारा रहना चाहिए। मैं आपको मिक्स करके बताती हूँ। देखिए, मैं पीस लिया है, एकदम दरारा है, ज़्यादा पिसा भी नहीं है। 2 से 3 बार उसको चलाया तो इस तरह से हो गया है। अभी मैं इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पे एक बर्तन लगाया है, इस पे मैं अभी तेल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 4 चम्मच उतना तेल लिया है। मेरे पास चावल ज़्यादा बच चुका है, रात ने कोई खाना नहीं खाया है, सभी लोग बाहर खा के आ चुके थे, इसीलिए खाना बहुत सारा बच गया है, इसलिए मैं थोड़ा 4 चम्मच तेल ले लिया है। तेल तो गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें 1 चम्मच राई डालती हूँ। राई को थोड़ा सा लाइटली फ्राई होने देते हैं। उसके बाद में चना दाल डाल रही हूँ, 1 चम्मच उतना चना दाल डाला है। चना दाल बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, खाते होकर जो दांत में आता है तब इसका टेस्ट डिफरेंट रहता है, इसलिए चना दाल डालना बहुत ज़रूरी है। आप लोग चना दाल ज़रूर डालिए, स्किप मत करिए, अच्छा टेस्ट रहता है, यकीन मानिए। ये दो भी फ्राई हो चुके हैं। अभी इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज जो है मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिया है। अगर आप लोगों को प्याज ज़्यादा खाना पसंद आया तो और एक प्याज ले सकते हैं। इसको अच्छा सा भून लेते हैं ताकि ये इसमें है सो जो पानी है पूरा चला जाए। अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। प्याज फ्राई हो रहा है, अभी मैं इसमें करी पत्ता भी ऐड कर दे रही हूँ। और 2 से 3 लाल मिर्ची लिया है, उसको बीच में तोड़ के इसमें डाल दिया है। इसको भी फ्राई कर लेते हैं। प्याज अच्छा सा फ्राई हो चुका है, अभी मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच उतना काली मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। अब इन सभी को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले पूरे अच्छा इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा सा फ्राई कर लेना है। देखिए, मैं अच्छा फ्राई कर रही हूँ। एक बार आप लोग ये बनाने का तरीका देखे तो आप लोग बार बार बनाओगे, उतना अच्छा टेस्ट बनेगा। मैं टेस्ट कर चुकी हूँ बना के, इसलिए मैं बनाया है, बहुत अच्छा टेस्ट हुआ, इसलिए आप लोगों से मैं शेयर किया है। मैं यहाँ पे गैस को मीडियम फ्लेम में लगाया है ताकि चावल भी अच्छा सा उसमें मिक्स हो सके। हाई फ्लेम में भी लगा सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम में लगाया। मीडियम फ्लेम में लगा के इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। देखिए,
मिक्स करते होते कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा है। ये थोड़ा मिक्स हो गया है। अभी इसमें जो हम पहले से बना के लगा लिए हैं मसाला, वो मसाला पूरा डाल देते हैं। मसाला डाल के मिक्स कर लेते हैं। मसाला डाल के मिक्स करने के बाद ही आप लोगों को मालूम होता है ये कितना अच्छा दिखेगा, कलरफुल दिखेगा और उतना अच्छा टेस्ट रहेगा। इसको मैं मीडियम फ्लेम में लगाया है, अभी भी मीडियम फ्लेम में है। इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। देखिए कलर चेंज हो गया है, पहले येल्लो था, अभी लाल कलर आना शुरू हो गया है। देखिए पूरा मैं मिक्स कर चुकी हूँ, अभी सर्विंग बाउल में सर्व करके बताती हूँ। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है, येलो रेड ऑरेंज तीन कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसमें। बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। आप लोग भी बनाइए, एंजॉय करिए। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।